हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अमोनिया। और सबसे पहले जानते हैं अमोनिया का इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज अमोनिया? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ओके, अगर हम इसका लुई स्ट्रक्चर देखते हैं, LEWIS लुई स्ट्रक्चर देखते हैं, या हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन है और इसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले लोग अमोनिया को कैसे जानते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो अर्ली मैन था वो हमारा अमोनिया को जानता था लाइक ये वो गैस है जिसके पास शार्प बाइटिंग स्मेल है, और कहीं पर भी जब कहीं कुछ सड़ता है या प्यूट्रिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है तो ये हमको मिलता है। ओके, राइट। इसके बाद क्या हुआ? जोसेफ प्रीस्ले ने देखा कि जो हमारा एक सॉल्ट आता है नौसादर या सेल अमोनियक अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला है, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर अमोनिया गैस है। और उन्होंने उस अमोनिया गैस को कैसे निकाला? उन्होंने उस अमोनिया गैस को इसके अंदर उन्होंने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला उन्होंने? स्लेक लाइन। तो उन्होंने क्या लिया? सेल अमोनियक लिया, NH4Cl, साथ में उसमें क्या डाला? स्लेक्ड लाइन, बुझा हुआ चूना डाला। सो व्हाट हैपेंड? OH यहाँ से और H यहाँ से मिलके क्या बन गया? वाटर। तो यहाँ दो OH है और यहाँ पे हम ये 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड 2 OH विल फॉर्म 2 वाटर। कैल्शियम और क्लोरीन, दो क्लोरीन मिलके बन गए कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ से 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। ठीक है, तो जोसेफ प्रीस्ले ने ये गैस 1774 में बनाई और उसका नाम दे दिया एल्कलाइन एयर, राइट। और बनाया किससे? सेल अमोनियक से, उसमें उसने उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। इसके बाद क्या था? बर्थलॉट और क्लॉड थे, इन्होंने 1785 में, और हेम्फ्री डेविड ने डेवी ने 1800 में इसी को ही प्रिपेयर किया अमोनिया गैस को, पर डायरेक्ट प्रिपेयर किया। डायरेक्ट मतलब उन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन लिया, 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और अमोनिया गैस के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है अबाउट अमोनिया। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अमोनिया का क्या है? अमोनिया इज एक्चुअली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2.5, यानी कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो हमने रखा नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5। आउटर मोस्ट शेल को हमने इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हाइड्रोजन देखते हैं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। सो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन के शेल। नाउ नाइट्रोजन को टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कम्प्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? ये 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है और तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है बाय इक्वल शेयर। ठीक है, सो हाइड्रोजन विद 1 सिंगल बॉन्ड, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। ऐसे ये एक और सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो हमारा क्या बन गया? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये तीनों हमारे क्या बन गए? कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाई वी कॉल देम एज कोवेलेंट? बिकॉज दे आर फॉर्मड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल शेयर करके बनाए। ठीक है, ना इसके बाद जब शेयर कर लेते तो यू विल फाइंड कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे ऑन नाइट्रोजन। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा अमोनिया गैस का, राइट। नाउ लेट्स सी अमोनिया गैस कहाँ कैसे अकर करती है। तो इफ़ वी सी दी अकरेंस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया गैस अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कम्बाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगी? जो हमारा नेचुरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एयर में भी प्रेजेंट होती है। रीज़न, एयर में बिकॉज हमारे पास जो भी नाइट्रोजनस मैटर है, कोई प्लांट है, एनिमल है, उसके डिकम्पोजिशन से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ देर आर बैक्टीरियाज
प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट अपॉन द नाइट्रोजनस मैटर दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड, और वहाँ से क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगी। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंबाइंड स्टेट, तो जनरली क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में केमिकल्स जो होते हैं कंपाउंड फॉर्म में मिल जाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उसका मिनरल नहीं बन सकता। वाई, क्योंकि मिनरल बनेगा तो वो स्टेबल होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होगा तो पानी में घुल के डिजॉल्व होकर चला जाएगा, इसलिए वो नहीं मिलेगा। सो यू विल फाइंड कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, अमोनिया गैस अमोनिकल लिकर में नेचुरली अकर करती है, ठीक है। सो नेचुरली इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ अमोनिकल लिकर, ठीक है। तो अमोनिकल लिकर कहाँ होगा, जैसे अगर वॉल्केनोज है तो यू विल फाइंड, ये अगर मान लो ये क्रेटर है, ये वॉल्केनो है, तो ये जो कट्स होंगे इनके साइड्स में यू विल फाइंड, ये लावा के जो स्ट्रीम्स आएंगे उसमें यू विल फाइंड दिस कमिंग आउट, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अमोनियम कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अमोनिया गैस एज अमोनियम क्लोराइड और एज अमोनियम सल्फेट। सो दिस इज हाउ अमोनिया गैस अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर इज एक्चुअली अ लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड जो होता है ये बनता कैसे है, ये बनता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो वुड या कोल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, और क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टेम्परेचर ये हीट से ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके क्या करता है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, अमोनिया गैस बनाता है, और जो भी अदर मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके अमोनिकल लिकर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ हाउ अमोनिया गैस अकर्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अमोनिया गैस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओके। टिल देन थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।